हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से मरवी एक रिवायत है, मैं एक दिन हुजूर के पीछे बैठा हुआ था, सवारी में हुजूर का रदीफ था, तो हुजूर ने फरमाया, ऐ बेटे, ऐ लड़के, मैं तुझे कुछ कलिमात सिखाता हूँ, तू अल्लाह के हुकूक का ख्याल रख तो वो तेरी हिफाजत फरमाए, तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू के अहकाम की हिफाजत कर, तू उसे अपने सामने पाएगा। इज़ा सअलता फसअलिल्लाह, जब सवाल करे तो अल्लाह से ही सवाल करे, अल्लाह से मांगने का मिजाज पैदा कर ले। के फरमाया, तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह से मांगो, जरूर बाजार में जाओ दुकानदार से, लेकिन हकीकी तलब अल्लाह से होनी चाहिए, बात बात पे अल्लाह से सवाल करो, बड़ी से बड़ी चीज़ भी उससे मांगो, छोटी से छोटी चीज़ भी उसी से तलब करो, हमारी सारी ज़रूरतों का कफ़ील हमारा रब हमारा मालिक है। तो दूसरी नसीहत ये की कि जब तू इस्तियानत तलब करे, मदद तलब करे, तो अल्लाह से ही इस्तियानत तलब करे। वालम और जान कि अगर सारी उम्मत सारे लोग पूरी कौम जमा हो के तुम्हें फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश में लग जाए तो तुम्हें वही फ़ायदा पहुँचा सकते हैं जो तेरे लिए तेरे रब ने लिखा है। और फरमाया, वैनिज तमाउ अला अन यदुरुका बिशैन, और अगर तुम्हें नुकसान पहुँचाने के दरपे हो जाए, लम यदुरुका इल्ला बिशैन कद कतबहुल्लाहु अलैका, तो तुझे सिर्फ वही नुकसान पहुँचा सकते हैं जो अल्लाह ने तेरे लिए लिखा है, सारा ज़माना भी मुखालिफ हो जाए तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हाँ तेरे मुकद्दर में अगर कोई चीज़ कोई बिगाड़ लिखा है तो वो होगा, उसका ज़रिया वो बन जाएंगे, तो इसलिए फिर उसी से मांगो उसी से तलब करो। रुफ़ियतिल अक़लाम व जफ़तिस सुहुफ़, जो लिखना था अल्लाह ने लिख दिया, लिखने के बाद कलम उठा लिया गया और जिन सहीफ़ों पर लिखा था वो खुश्क हो गए, अब किताबें बंद हैं, तो इसलिए उसने तेरे लिए जो लिखा है वो होकर रहेगा, तो खामखा लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है, और तेरा फ़ायदा तेरा नुकसान उसी के दस्ते कुदरत में है, तो उसी से तलब कर उसी से मांग। और फरमाया, तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू को रिखा में खुशहाली में याद कर, यारिफ़का फ़िश्शिद्दा, वो तुझे मुश्किल में पहचानेगा, यानी जो शख्स खुशहाली के दौर में उसके पास दौलत है सेहत है तो अल्लाह ताला को फरामोश नहीं करता, अल्लाह उसकी बदहाली के ज़माने में उसको फरामोश नहीं करता। वालम और जान अन नसर मा सब्र, के जो मदद है वो सब्र के साथ आती है, वनल फराज अमल कर, और कुशादगी जो है वो मुश्किल के साथ आती है, वरना मालूस युसरा, और सहूलत जो है वो मुशक्कत बर्दाश्त करने के बाद आती है, तंगी के बाद फराखी आती है, पहलो मुश्किल फिर तमन्ना, पहलो गड्ढा फिर पुल, शायद मगरों पहलो मक्खियाँ डस दियाँ डंग वालियाँ, तो ये सब होता है, मुश्किलात तकलीफ़ें आलाम मसाइब इन सब से गुजर करके आसानियाँ आती हैं। खुद हुजूर की ज़िंदगी देख लीजिए, मदनी ज़िंदगी मक्की ज़िंदगी के गुजरने के बाद ताइफ़ के मराहल को तय करने के बाद आती है, तो हम डायरेक्ट अगर चाहें मक्की ज़िंदगी को इख्तियार किए बगैर और ताइफ़ की मुश्किलात और संगलाख रास्तों से गुजरे बगैर मदनी बरकतें हासिल करना तो वो नहीं पा सकते, तो ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है।